हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे आज के हरियाणा के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार जो है, हमारी हरियाणा सरकार है, उन्होंने क्या किया है, ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान की घोषणा की है। मैंने आपको कल या परसों की क्लास में भी ड्रैगन की खेती के बारे में पढ़ाया था कि जो हरियाणा सरकार है वो ड्रैगन फ्रूट जो होता है उसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और उसके लिए क्या करेगी, किसानों को प्रशिक्षण भी देगी। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को ड्रैगन फ्रूट के बाग लगाने पर सरकार 1,20,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दे रही है। अधिकतम कितने, मतलब एकड़ पर पैसे मिल सकते हैं, अनुदान सुविधा मिल सकती है, 10 एकड़ तक की फसल पर क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। तो 10 एकड़ तक जो खेती करेगा उसे क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, मेरी फसल जो और मेरा ब्योरा जो योजना है, जो पोर्टल है, उस पर क्या करना होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना इसके लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, तो हरियाणा सरकार किसकी खेती को बढ़ावा दे रही है, ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दे रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो धान की खेती है उसको छोड़कर क्या करना शुरू कर दें, ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है वो करना हरियाणा में जो किसान है वो शुरू करें। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन और डेयरी मंत्री। अभी हाल ही में जो आपके कृषि मंत्री और पशुपालन डेयरी मंत्री जेपी दलाल हैं वो कहाँ गए हुए हैं, ब्राज़ील में गए हैं। ठीक है, वहाँ की जो अल्ट्रा जेनेटिक प्रयोगशाला है उन्होंने क्या किया है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से गुणवत्ता वाले जो मुर्रा भैंस की नस्ल होती है उसके जो जर्मोप्लाज्म है उसको लेने की क्या जताई है, इच्छा जताई है। ठीक है, तो मुर्रा हमारे हरियाणा की बेस्ट नस्ल की भैंस होती है, ताकि क्या कर सकें, जो मुर्रा जर्मोप्लाज्म है उससे अधिक दूध उत्पादन वाली भैंसों का उत्पादन कर सकें। ठीक है, ये मैंने आपको कल की क्लास में भी पढ़ाया था, बट आज जो ये टॉपिक है मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल वो कहाँ गए हैं, ब्राज़ील में गए हैं, और ब्राज़ील के साथ हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट भी, मतलब आप लगा सकते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है, और भैंसों के लिए है, ताकि भैंस जो अधिक जो दूध प्रोडक्शन है उससे हमें, मतलब हमारे हरियाणा को फ़ायदा मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती संघ ने हरियाणा समेत किस राज्य की कुश्ती संघों को कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। हरियाणा के कुश्ती संघ जो हैं उनकी कार्यकारिणी को क्या किया है, भारतीय कुश्ती संघ ने भंग कर दिया। तो इसके साथ में हरियाणा के साथ में दो राज्य और हैं जिनकी जो कुश्ती संघ है उनको, मतलब कुश्ती संघों की कार्यकारिणी है उनको भंग कर दिया गया। तो हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक की कुश्ती संघों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। भारतीय संघ के तीनों राज्यों के कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारी को हटाते हुए वहाँ चेयरमैन जो हैं कन्वीनर और सदस्य नियुक्त हुए हैं। ठीक है, हरियाणा कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे हरियाणा से वो कौन थे, दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर तीन क्या हुए, तीन स्टेट के कुश्ती जो संघ है उनकी कार्यकारिणी को भंग किया गया है, एक हरियाणा है उसमें, एक महाराष्ट्र और एक क्या है आपका कर्नाटक है। ठीक है, और हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन, हमारे दीपेंद्र हुड्डा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, क्या जीता है हरियाणा ने अंडर 15 में एशियन कुश्ती में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, कितने मेडल जीते हैं। तो इसमें हमारे, मतलब हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और एक क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। तो 3 मेडल किसके द्वारा जीते गए, अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी से हैं, कौन, रणदीप सुरजेवाला, वो किस राज्य से क्या बनाए गए हैं, राज्यसभा सांसद बने हैं। तो ये राजस्थान से क्या बने हैं, अभी हाल ही में राजस्थान से सांसद बने हैं, और हमारे हरियाणा में अभी 2 नए राज्यसभा के सांसद जो हैं वो, मतलब नियुक्त हुए हैं। तो वो कौन से हैं, मैंने आपको अभी राज्यसभा की क्लास कराई थी तो उसमें कराया भी था, हरियाणा से जो राज्यसभा आएगा, यहाँ क्या आएगा, राज्यसभा के जो मेंबर बने हैं वो कौन कौन है आपके, कृष्णपाल पवार और कार्तिकेय शर्मा। ठीक है, ये क्या बने हैं, नए राज्यसभा सांसद बने हैं। तो 2 नए राज्यसभा के सांसद कौन है हमारे, कृष्णपाल पवार और कार्तिकेय शर्मा। तो ये 2 क्या हैं, राज्यसभा से सदस्य चुनकर गए हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी अतुल ने नेपाल ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 में के अंडर 15 की टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है,
गोल्ड मेडल क्या जीता इन्होंने, गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिसार के सात रोड के ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका अतुल, जिन्होंने नेपाल में क्या जीता है, ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो अतुल हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके, हिसार के सात रोड के ये रहने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पराली से बिजली बनाने के लिए कितने क्षेत्रों में स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। हमारे हरियाणा में क्या होगा, पराली जो होती है उससे क्या बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पराली को ऐसे ही जला दिया जाता है जिससे बहुत अधिक प्रदूषण भी फैल जाता है, हवा क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है कि पराली से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी बना दे, और उसके लिए अलग अलग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो हरियाणा की चार जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये इसमें पहले नंबर पर क्या आता है, जींद जिला है आपका। कौन सा जिला इसमें शामिल है, जींद जिला। जींद के साथ में कैथल जिला शामिल है, कैथल के साथ नरवाना, और नरवाना के साथ में फतेहाबाद। तो हरियाणा के चार जिले नहीं कह सकते हम, मतलब हरियाणा के चार जगह शामिल हैं इसमें से, जींद, कैथल, नरवाना और फतेहाबाद, क्योंकि नरवाना आपका जिला नहीं है। तो इसमें चार क्या है, ऐसी जगह शामिल है हरियाणा की जहाँ पर ये जो स्टेशन है, बिजली बनाने के स्टेशन है, वो स्थापित किए जाएंगे, एक जींद में, एक कैथल में, एक नरवाना और एक फतेहाबाद में। पराली से जो बायोगैस का उत्पाद, पराली, ये जो पराली से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी इससे क्या करेंगे, बायोगैस का प्रोडक्शन भी करेंगे, ताकि जो इसका प्रयोग है वो छोटे वाहनों में, जैसे आपके स्कूटी वगैरह होती है, आजकल क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ रही हैं, तो उसके लिए चार्जिंग पॉइंट बना दिए जाएंगे, उन इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग उन चार्जिंग पॉइंट्स में किया जाएगा। तो इस पराली से बायोगैस का प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20वें पशुधन सर्वेक्षण के अनुसार जो हरियाणा है, हरियाणा नस्ल की गायें हैं, हमारे यहाँ पर कौन सी नस्ल की गायें मिलती है, हरियाणा नस्ल की, ठीक है। तो उसकी संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो 20वें पशुधन सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक जो हरियाणा नस्ल की गायें हैं वो कहाँ मिली है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। और अभी हाल ही का एक टॉपिक ये भी रहा है कि राज्यसभा से अभी मनोनीत हुई हैं, जो मनोनीत सदस्य हमारे होते हैं, 12 सदस्य होते हैं मनोनीत, उनमें से अभी जो पीटी उषा हैं वो क्या हुई हैं, राज्यसभा की सदस्य, मतलब मनोनीत हुई हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं, जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं, ठीक है। तो खेलों की तरफ से हैं, तो ये आपका नेशनल स्तर का क्या था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।